बोला था कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं चेंज कर रहा हूँ, तो 5:30 की हो गई है जो कि 6 बजे का जिम का है, पर लेकिन अभी मैं फिलहाल ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। अब भाई का फ़ोन आया था मेरे को, तो मैं ऑलरेडी 20 मिनट्स लेट हूँ, तो मैं अभी जल्दी से निकल रहा हूँ। मैं ऑलरेडी लेट रहता हूँ, इससे भी खाना भूल गया मैं। I'm already late. और ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। तो ये गाइस चलिए अभी निकल रहे हैं, कुछ बातें करते हैं अभी। इस बिना अच्छा लगता है कि लाइक मॉर्निंग मॉर्निंग में उठना और जिम जाना एक आदत से हो गई है मेरा, क्योंकि ये हैबिट्स मेरे बहुत ही, मतलब ये मेरा हैबिट्स नहीं था सुबह सुबह उठना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यू नो, इवन इन विंटर सीजन्स इट्स कम्स, अभी विंटर सीजन आ रहे हैं तो लाइक सुबह को उठना इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर, तो आपको पता ही है। तो इट्स अ गुड हैबिट दैट आई बोलिंग माई सेल्फ दैट इट्स टेकिंग इन अ राइट डायरेक्शन। मुझे क्या लगता है यहाँ का जो लोग है ना, मिलन मोड बोलते हैं, यहाँ का लोग ना एक फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस है लगता है मेरे को, क्योंकि सुबह हो शाम हो दे ऑलवेज गो फॉर वॉक, ऑलवेज सी देम, इवन देर इज एज एजड पीपल और अ यंग स्टार, अ लिटिल बिट एक्टिवनेस देर आर इन देर लाइफ। सबसे बुरी बात तो ये है कि मैं 20 मिनट्स ऑलरेडी लेट हूँ, एंड मेरा जो भाई है, जो मेरा पार्टनर वहाँ पर है, जो जिम में अभी फिलहाल दोस्त भाई हुआ है, ही इज़ वेटिंग फ्रॉम लाइक बिफोर 20 मिनट्स। यू नो मुझे 6 बजे मैंने टाइमिंग बोला था, वो मुझे फ़ोन कर चुका है 3-4 बार, बट आई नॉट बी एट एन देर, सो ही इज़ टोटली एंग्री मे बी, सो लेट्स गो। आई जस्ट फ़ोन आ रहा है उसका, अभी फ़िलहाल भी फ़ोन आ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ। ठीक है गाइस, स्टिल वेटिंग फॉर मी 20 मिनट्स, सॉरी ब्रो आज लेट हुए मैं एकदम, डोंट माइंड इट। ओके देखते हो अभी फ़िलहाल जिम में कोई भी नहीं है, ये भाई खाली आया है, देयर इज नो वन, यू कैन सी देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है। तो सुबह सुबह कोई ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का टाइम एक्चुअली क्या है कि दे ओनली कम इन 7 और 8 आफ्टर, तो हम लोग ने टाइम फिक्स किया था कि थोड़ा जल्दी आए तो मुझे वीडियो शूट करने का टाइम मिलेगा, एंड वर्कआउट भी रहेगा, एंड मेरा जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा बचावट भी रहेगा, क्योंकि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, एंड आज का सेशन क्या रहेगा वो मैं ब्रदर्स के साथ करते हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या सेशन मारेंगे, ट्राइसेप एंड बैक, सो या बैक एंड ट्राइसेप मारेंगे, तो यही रहेगा आज का सेशन। ब्रो डैमेज है गाइस, रिमाइंडर है, ये चीज़ आपको ये चीज़ करना है, जिम जाने से पहले, जिम जा वर्कआउट करने से पहले आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपका बॉडी वार्म अप कीजिए एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस, आपको इंजरी होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा इससे, तो ये चीज़ आप फॉलो कीजिए गाइस, ये आपको अलग ही लेवल में लेके जाएगा।
भुलक्कड़ हो गया, मैं जो जिम में सामान थोड़ा ज़्यादा भूल जाता हूँ। तो अभी वर्कआउट सेशन ख़त्म हो गया हम लोग का। यस ब्रो, कैसा लगा आपको? हाउ आर यू फीलिंग? एनर्जेटिक। एंड से समथिंग ब्रो इन द ब्लाइंड व्लॉग्स। से समथिंग। चलो बड़ी चीज़ क्या है कि इस साइकिल का पैडल जो है ना, कल भी मैंने ब्लॉक में बोला था आपसे कि ख़राब हो गया था, ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। तो कल भी ये ख़राब हुआ था एंड आज भी मुझे बनाना पड़ा। तो एंड गाइस अभी फ़िलहाल ठीक है, पर भी वो साउंड कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई हैव टू चेंज दिस मे बी। अभी तो फिलहाल चलते हैं एंड कल दिखाता हूँ कल। मेक श्योर गाइज, अगर आप सुबह जिम जाते हो या आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आने से पहले भाई, सॉरी आने के बाद, जो जिम करके आने के बाद आप मेक श्योर कि आप ना फेस धोए। ध्यान में रखना है कि आप जाते हो जिम, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको अपना फेस धोना है। जो भी आप हमें रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको फेस वॉश ही यूज़ करना पड़ेगा। मैं एक्चुअली गार्नियर का यूज़ करता हूँ, ये देख सकते हो आप, ये से भी ले सकते हो। ये मैंने मिक्सर पे जो है बनाना शेक बना रहा था मैंने, तो हुआ क्या है कि आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरे साथ। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने मिक्सर का जो ढक्कन है उसको मैंने अच्छे से नहीं लगाया था, लेकिन लाइटली गया था, ज़्यादा बल्ब था। तो हुआ क्या है देख सकते हो, सारा जो है शेक जो है सब मेरा ऊपर गिर गया। फाइनली जो है ना बहुत ही ज़्यादा लाल हो गया, इट्स लाइक बर्निंग यू नो। तो ध्यान में रखना गाइस, आप लोग करते हो तो ये इसको ज़्यादा ध्यान से रखना, क्योंकि मिक्सर जो है, मुझे ज़्यादा मिक्सर चलाना नहीं आता है क्योंकि आदत नहीं है मेरा। बनाना शेक ट्राई करें लेकिन होशियार से करें, देख के करें भाई, क्योंकि ना भाई किचन का पूरा सेट मेरे को अभी साफ़ करना पड़ेगा, इतना गंदा लग जाता है सब तरफ उसका जो होता है ना सब तरफ। हाँ गाइस, फिलहाल जो है आप सबके कुछ से कुछ शेयर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज मैंने कुछ भी आपको डाइट नहीं बताया मैंने वीडियो के थ्रू, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आज ट्यूजडे है, तो ट्यूजडे है एंड आप सब शौक हो जाओगे वो चीज़ क्या है कि मैं बोलने जा रहा हूँ कि आज ट्यूजडे है एंड आई टेक अ फास्टिंग, यू नो मैं फास्टिंग करता हूँ, जो कि मैं इस दिन में कुछ नहीं खाता हूँ। इवन आई वर्कआउट, मैं वर्कआउट करता हूँ लेकिन इस दिन में मैं खाली शाम को खाता हूँ, जो पूजा वूजा करके वो खाता हूँ मैं, क्योंकि लाइक यू नो 3 ईयर्स हो चुके हैं दैट आई हैव टेकन अ फास्टिंग, फास्ट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। एंड किस लिए कर रहा हूँ वो चीज़ मैं अभी आप डिटेल्स में ले कर रहा हूँ, या फास्टिंग कर रहा हूँ मैं एक्चुअली बजरंग बली का करता हूँ मैं, जो कि आदत हो गई है ये चीज़ जो है, अब भी रखो इंटीमेट, क्योंकि अभी मेरा ऐसा हो गया ना कि मैं अगर मैं नहीं भी रखना कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे इस दिन पे कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि लाइक यू नो हैबिट्स हो चुके हैं मेरे को कि मुझे ये चीज़ क्या है ना, ये ट्यूजडे ही है मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये चीज़ पहले से मतलब होगा कि मुझे इस दिन पे कुछ खाना नहीं है, पहले से ही वो प्रिपेयर हो जाता है मेरे को। तो आप खाइए, ये चीज़ जो है मेरा हैबिट्स है, मतलब मेरा जो है मैं पहले से कर रहा हूँ, तो आप भी इसमें आदत मत हो जाइए। आपका मर्जी है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी बात नहीं बोलूँगा मैं आप सबको कि जिम जाके आइए खाइए भाई, और आप वेट गेन पे प्रोसेस पे हो ये चीज़ मत, गलत चीज़ मत कीजिए। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको, एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड अच्छा लग रहा होगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एवरी डे मैं अपना लाइफ स्टाइल बताऊँ, एवरी डे जो वीडियो बना, एवरी डे वीडियो बनाऊँ मैं आप सबके लिए, जो कि आपको पता चले कि लाइक यू नो हाउ आई एम गोइंग, यू नो मेरा चल, मेरा लाइफ क्या है, कि लाइक यू नो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवरी डे आप सबको वीडियो बनाते रहूँगा।
मिलता हो एंड सबको प्यार ही चाहिए जो मुझे लाइक यू नो मोटिवेशन मिलती है एंड लाइक यू नो हौसला मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने का मन नहीं करता है लेकिन आप सबके लिए बनाता हूँ, क्योंकि यू नो समथिंग इज देयर यू नो ऐसे जर्नी है, स्टार्ट किया है तो फिर पूरा करना पड़ेगा। तो कैसे ही था आज का वीडियो एंड ज़्यादा बात करता हूँ मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे एंड आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके जाना भाई, भाई को सपोर्ट कीजिए, हम लोग का फैमिली अभी ग्रो हो रहा है नो अभी हम लोग गोल जो है 1000 है, तो ध्यान में रखना एंड आप सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज़। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे एंड नेक्स्ट ब्लॉग सीरीज पे एंड स्टे फिट एंड बाय, पीस।